अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। पास्ता की हमने बहुत सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर की, जो होममेड पास्ता जिसको कहते हैं, और बहुत इजी काम। एक मशीन आपने लेनी है और इसकी बहुत सारी वैरायटी है। मैंने आपको जैसा लास्ट टाइम भी कहा था कि अभी तो हम सिर्फ इटालियन पास्ता की तरफ थे, अब हम थोड़ा सा डाइवर्ट होंगे। आज भी एक इटालियन पास्ता है, स्पेगेटी कार्बोनारा, बहुत ही मशहूर डिश। उसके अलावा हम एक और डिश बना रहे हैं, थाई फूड की है, और वो है गोल्ड पर्सेस। और इसको हम दो तरीक़ों से बनाएंगे। इसका डो यहीं पे बनेगा। डो का बहुत आसान तरीका, आधा किलो मैदा, 5 अंडे, बस। तो कोई नमक, कोई कलर वगैरह कुछ आपने शामिल नहीं करना। पानी से नहीं गूंदना, इसको आटे से गूंदना है। ये गूंदने के बाद हमने इसकी शीट्स बना ली, और ये अभी मैंने निकाली है। बाकी शीट्स आप देख रहे हैं, क्लिंग रैप करके हमने इसको इसमें से रखा हुआ है कि अगर इसको खुला आप रखेंगे तो ये इसमें स्किन सी बन जाती है, और वो रोल करने के दौरान पास्ता के ऊपर थोड़ी सी आती है। और कोई इशू नहीं है, लेकिन पास्ता दिखने में अच्छा नहीं लगता। मशीन आपने लेनी है, और ये इसे बहुत सारी टाइप्स बनती हैं। ये बेसिक लज़ानिया शीट की कटिंग वाला सेक्शन है, उसके बाद फेटुचिनी और स्पेगेटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसको, और जब भी पास्ता को रोल करेंगे, इस तरह की शीट्स मैंने बना ली। इसके एच को आपने थोड़ा सा ज़्यादा फ्लैट कर लेना है, ताकि इसको हम मशीन आसानी से पकड़ सके। अभी सिंपल सबसे पहला काम, और इसकी थिकनेस हमने मैक्सिमम पर रखी हुई है सबसे पहली, और इसको मैं अभी 1 पे है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक नंबर हम पीछे जाते जाएंगे और इसको रोल करते जाएंगे। मैं इसको 5 पे रोकूंगा। अब ये 2 पे आ गया, ये भी इजी आराम आराम से निकलता जाएगा। फिर 3 और 4, और उसके बाद 5। जैसी शीट हमारी तैयार हो जाएगी, फिर हम सीधा इसको स्पेगेटी की कटिंग पे ले जाएंगे, और स्पेगेटी से तैयार हो जाएगी इजीली। एक और पीछे जाएगा, और इसके बाद ये हमारी स्पेगेटी के लिए राइट थिकनेस इसकी आ जाएगी। लेकिन इसका एज जो है, ये आपने जहन में रखना है, इसको थोड़ा सा बिल्कुल फ्लैट रखना है, ताकि मशीन इसको आसानी से पकड़ सके। ये आ गया। पानी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है बॉयल होने, और जैसे पानी बॉयल हो जाता है, उसके बाद ये देखिए, अब ये पास्ता की शीट पहले पूरी तैयार हो गई। इसके बाद हम अपने हिसाब से इसको काट लेंगे, जितनी लंबाई में हमने पास्ता रखना है। नाइफ ले लेते हैं, और ये शीट यहाँ तक काट ली, एक शीट, और इसको हमने 200 में तकसीम कर लेना है। इसके बाद जब इसकी कटिंग करेंगे स्पेगेटी के लिए, जहन में रखिएगा आपने यहाँ पे मैदे की मकदार ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। और ये हैंडल इसका निकाला, ये हमने स्पेगेटी की सेक्शन में रखा, और ये इस पर थोड़ा सा मैदा डाला। उसकी वजह ये है, जब ये कटिंग स्पेगेटी की आएगी, तो हमने अगर मैदा नहीं लगाया हुआ, ये कटिंग के दौरान आपस में चिपकेगा। उसके बाद ये पास्ता के ऊपर भी थोड़ा सा मैदा डालना है, और इसके बाद काम हो जाएगा बहुत ईजी। ये देखिए, इसका एज लिया, इसको थोड़ा सा फ्लैट करके जैसे ही मशीन ने पकड़ा, फिर ये काम बहुत आसान। इसको पास्ता को स्ट्रेट किया, और ये आ गई स्पेगेटी। सिंपल, बहुत इजी काम है, इंटरेस्टिंग बड़ा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, और कुकिंग में आपके बड़ी ईजी हो जाएगी। और ख़ास तौर पर अगर आपने फ्रेश पास्ता कभी नहीं बनाया, तो एक दफ़ा ज़रा इसका आप पास्ता बना के देखेंगे, आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। यानी आम तौर पे जो ड्राई पास्ता है, इसमें कॉस्ट भी है इसकी बहुत कम है, सस्ता भी बहुत पड़ता है, और जायके में बहुत बेहतरीन। ये आ गया, और इसके बाद ये आ गया। एक दफ़ा मशीन पकड़ ली, आराम से पास्ता को स्ट्रेट करें, और इसके बाद चलिए जी, इसको हमने सिंपली इस तरीके से लूज करके रखना है, ताकि आपस में चिपके नहीं। थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर हल्का सा डालेंगे, क्योंकि अभी फ्रेश कटा हुआ है, तो इसके चिपकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये कर लिया, दोबारा एक और शीट ले लेते हैं। ये हैंडल फिर निकाला, ये भी हम स्पेगेटी बना रहे हैं, स्पेगेटी कार्बोनारा के लिए, और ये इसको मैक्सिमम पर लेके चले गए। दोबारा इसकी एज ये देखें, 1 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 तक जाएंगे, 5 इसकी मैक्सिमम। और इसे जो थिन है, अभी हम जो बनाएंगे गोल्ड पर्सेस, वो हम 7 पे लेके जाएंगे, बिल्कुल थिन, पेपर थिन, जिसको आमतौर पे जो हमारे ये मांडा पट्टी होती है, उस ऑलमोस्ट उतनी थिकनेस होगी इसकी। तो इसको एक एक करके नंबर एक एक पीछे जाएंगे, ज़्यादा तेज़ी से नहीं जाएंगे, यानी एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, क्योंकि अगर एक दफ़ा थिकनेस एकदम आपने मैक्सिमम इसको कम करने की कोशिश की, तो ये पास्ता टूट सकता है या ख़राब हो सकता है। तो आराम आराम से एक एक नंबर पीछे जाते जाएं, और ये फाइनल इसकी थिकनेस। उसके बाद इसको भी काटेंगे इसी तरीके से, पानी उबलता हुआ रखा हुआ, नमक मिला। अच्छा, इसका कुकिंग टाइम, आम पास्ता जो पैकेट वाला होता है,
लोकल पास्ता की बात करें तो 6 से 7 मिनट उसको लगते हैं और इम्पोर्टेड पास्ता 10 से 12 मिनट, लेकिन ये जो पास्ता है ये टोटल ये 3 मिनट के अंदर अंदर पक जाता है। इसको बहुत ज़्यादा देर आपने पकाना नहीं है। पानी उबल रहा है और नमक मिला हुआ है। ये इसको एक दफ़ा मैं सेट कर लूँ बस। ये इसकी फाइनल थिकनेस और बिल्कुल इसको भी उसी तरीके से काट लेंगे। सो एक दफ़ा शीट तैयार हो जाए। यही पास्ता हम यूज़ करेंगे, इसी ये जो अभी हमने इसके लिए यूज़ इस्तेमाल किया यही पास्ता इस्तेमाल होगा हमारी रेसिपी में, गोल्ड पर्सेस में भी। और ये अभी थिकनेस काफ़ी थिन है, लेकिन इससे और थिन करेंगे जब हम गोल्ड पर्सेस बनाएंगे। पहले इसको सारा रोल कर दिया, इसके बाद इसकी कटिंग पास्ता के हिसाब से और स्पेगेटी की लेंथ, तो एक एक करके इसको काटते जाएंगे। और इसको ज़्यादा देर छोड़ना नहीं है, ये आपस में चिपक जाएगा। बिल्कुल अभी फ्रेश बना हुआ है, लिहाजा इसको रखा। थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर और ये खोलते चले गए और लेंथ काटते जाएंगे। लेंथ ऑलमोस्ट इसकी तकरीबन 14 इंचेस अप्रॉक्सीमेटली स्पेगेटी की जो लेंथ होती है उस हिसाब से हम इसको काट रहे हैं। तो इसको काटते चले गए और मैदा ऊपर डालना लाजिम है, अदरवाइज़ ये आपस में चिपक जाएगा। बस इसके बाद वही काम जो भी हमने पहले थोड़ी देर पहले किया था, इसके ऊपर थोड़ा मैदा डाला, जहाँ पे इसको हमने कटिंग करनी है वहाँ पे मैदा डाला, ये इसका हैंडल यहाँ लगाया और कटिंग का काम शुरू। अच्छा, इसी पास्ता को मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया भी था, इसको आप एज इट इज़ फ्रीज कर सकते हैं किसी बॉल में रख के, थोड़ा सा मैदा ऊपर डाल के, ताकि आपस में चिपके नहीं, या आराम से आपके फ्रीज़र में 2-3 महीने निकालेगा, ख़राब नहीं होगा, ड्राई भी नहीं होगा। अलबत्ता आपने उसको अच्छी तरीके से पैक करना है ताकि मॉइस्चर ना जाए। ये आ गया, बस सिंपल। ये शीट्स मैं काट रहा हूँ और यहाँ पानी बॉयल हो रहा है। ब्रेक पे जा सकते हैं इमरान भाई? ओह, आवाज़ मेरे ख्याल में शायद में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हम ले लेते हैं छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे जगह बी राइट बैक। पास्ता कार्बोनारा अज्जा। पास्ता के लिए मैदा 500 ग्राम, अंडे 5 अदद, बाकी अज्जा। अंडे 5 अदद, बोलोनी स्लाइस्ड 5 स्लाइसेस, क्रीम 250 मिलीलीटर, चेडर चीज़ 1 कप, मक्खन 5 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। वापस आ गए जी, और पास्ता हमने पहले बना लिया था स्पेगेटी, अब हम बना रहे हैं यहाँ पे जो गोल्ड पर्सेस बनने हैं थाई फूड के। और ये जिस थिकनेस में इसको मैं निकाल रहा हूँ, ये मिनिमम है 7 नंबर। अगर आपने मशीन ले ली है तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट होती है, यहाँ से इसकी थिकनेस और पतलापन एडजस्ट होता है। इससे बिल्कुल पेपर थिन, ऑलमोस्ट जितना वो मांडा पट्टी बाजार में मिलती है बिल्कुल उस जैसी शीट बन गई। ये शीट यहाँ पे रखी। अब इसकी कटिंग बहुत सारी मुख्तलिफ टाइप से होती है, मेरे पास कुछ कटर मौजूद हैं, हम उस कटिंग से इसको निकाल लेते हैं। सो आपने सिंपली ये रखा और उसके बाद इस तरह के राउंड आपने काट लिए। ये पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, ये इस तरह की डिस्क बनानी। बस ये आपको वॉन्टन जो रैप होता है, वॉन्टन ये पाकिस्तान में नहीं मिलते इस तरह के फ्रेश, बाहर मुल्कों में मिलते हैं। ये इसी तरह के कटे होते हैं और ये वॉन्टन रैपर्स कहलाते हैं। और ये आप सिंपली इसको काटते जाएं, तो ये बेसिकली इटालियन से हट के आज हम इसको थाई फूड या जिसको आप फारिस्टन फूड के नाम से जानते हैं उस तरीके से इसको बना लेते हैं। ये पास्ता जितना इसकी कटिंग बच रही है ये कुछ भी ज़ाया नहीं होगा, ये सब का सब इस्तेमाल होगा। ये वापस इसको हम रैप करके दोबारा फिर यूज़ करेंगे। अच्छा, इसको रैपर्स को मैं ये अभी जो काट रहे हैं वॉन्टन रैपर्स, ये हम दो तरीक़ों से, रेसिपी कार्ड में आपके पास सिर्फ डीप फ्राइड का लिखा होगा, लेकिन इसको मैं स्टीम भी करूँगा। मेरे पास स्टीमर भी मौजूद है, स्टीम बहुत मज़े के होते हैं। मुझे तो पर्सनली स्टीम जो चाइनीज़ वॉन्टन होते हैं या डम्पलिंग जिसको कहते हैं, वो मुझे ज़्यादा इसका टेस्ट पसंद है। सो एक एक करके शीट्स पहले काटते गए और इसको कोशिश करनी है कि ऊपर एक ना रखें, अदरवाइज़ ये
चिपक जाएंगी। सो इसको हमने अलग अलग करके रख लिया, शीट अलग कर देते हैं। पहले खाली मैं आपको दिखा दूँ कैसे बन रहे हैं, उसके बाद आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। और फिलिंग बहुत ईजी, ये लिया बॉल, फिलिंग में इसका आ गया कीमा चिकन का, साथ में हरा प्याज आ गया, साथ में जो इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है जो थाई फूड का टिपिकल टेस्ट है वो है लेमन ग्रास। ये अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई इतना मस्त नहीं, मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लहसुन आ गया इसमें, काली मिर्च आ गई और नमक। इसके बाद सिंपली हमने इसको पहले गूंदना है, मिक्स करना है अच्छी तरीके से, और इसके बाद फिर इसके अंदर फिलिंग होगी और फिर इसके पर्सेस टाइप के बनेंगे, पर्सेस भी आपको दिखाते हैं। कटिंग पहले कर ली। अच्छा, इसी तरह की डिश बना के आप इसको फ्रीज कर सकते हैं क्लिंग रैप करके अच्छी तरीके से, ताकि हवा इसको ना लगे, तो ये आपके महीना डेढ़ महीना निकालेंगे। सबसे पहला काम ये सारी चीज़ें हमने मिलाई, मिक्स की, नमक थोड़ा ही रखना है। अच्छा, इसके साथ डिपिंग सॉस बहुत मज़े के होते हैं। फिलहाल आ चुके हमारे पास टाइम कम है तो हमने, और इसमें हाँ एक और चीज़ डली, ऑयस्टर सॉस, ये आ गया ऑयस्टर सॉस। क्वांटिटीज अभी आपके पास रेसिपी कार्ड चलेगा तो उसमें लिखी। ये सारा हमने पहले मिलाया खूब अच्छी तरीके से। सो ऑयस्टर सॉस, चिकन, लेमन ग्रास, हरा प्याज, काली मिर्च, नमक और बस। उसके बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया। अब हमने सिंपली ये रैपर लेके इसके सेंटर में हमने इतना इतना मटेरियल रख देना है चिकन का, और फिर आपको इसके पर्सेस भी बनाना दिखाते हैं। और वॉन्टन रैपर्स आपने पढ़े होंगे कुक बुक्स अगर आप, या इंटरनेट पे रेसिपी सर्च करते हैं तो बड़ी मुश्किल से, यहाँ मिलते ही नहीं बिल्कुल कहीं भी। रेस्टोरेंट्स जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं वो खुद बनाते हैं इसी तरीके से। पहले हमने ये रखा, इसके बाद एक अदद अंडा लेके इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा लेता हूँ, ताकि आपको एक दफ़ा इसकी रैपिंग दिखा देते हैं। दो तरीक़ों से इसको रैप करते हैं। ये आ गया रैपर और ब्रश नाम की चीज़ है हमारे पास, कोई अब्दुल्ला भाई कोई ब्रश मिल जाएगा, बुरश आ रहा है अभी, दो मिनट। इसको हाली हमने हल्का सा साइडों को थोड़ा सा ब्रश करके अंडा इस पर लगाना पड़ेगा, ताकि ये डीप फ्राइंग के दौरान या स्टीमिंग के दौरान खुले नहीं। सो ये आ गया अंडा, और इसके बाद ये रैपर पकड़ा, ये हाथ में लिया और सिंपली इसकी साइडों को इस तरीके से देखें, ये रैप करते हुए बस इसके छोटे छोटे पर्सेस बन जाएंगे। और इसके बाद हमने सिंपली इसको दो तरीक़ों से, एक डीप फ्राइंग का और एक स्टीमिंग का, और इसको लेके ये देखें एक छोटा सा पिद्दा सा पर्स बन गया। ये बस एक एक करके इसको बंद करते जाएंगे, और ये जहन में रखना है कि आपने इसको हल्का सा एग से अंडे से ब्रश इस से करना है, कि डीप फ्राइंग में भी और स्टीमिंग दोनों दौरान इसके खुलने के चांसेस। तो पानी से भी ब्रश कर सकते हैं, लेकिन पानी भी मैं शकी रहता है मुझे कि यार ये खुल ना जाए, ख़ास तौर पे डीप फ्राइंग में, स्टीम में नहीं खुलेगा, डीप फ्राइंग में। तो इसको सिंपल साइड से आप इस तरह रोल करते गए और ये रैप करते गए, ये देखिए सारा करके, उसके बाद टॉप से इसको आपने इस तरह रोल किया और ये पर्सेस बन गए। बस एक एक करके बनाएंगे सिंपल। डो आपने देख लिया किस तरह बन रहा है, और सिंपली ये रोटी को लिया, हल्का सा एग वॉश किया और पर्सेस बनाते गए। इसी तरह के पर्सेस बना के आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, अगेन महीना डेढ़ महीना वो भी निकाल सकते हैं फ्रीज़र में आपके, और लेकिन क्लिंग रैप करके या उसको अच्छी तरीके से ऊपर से बंद करना है, ताकि ये ड्राई ना हो जाए। इसका एक किनारा पकड़ा और इसको साइड से आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह रोल करते गए, ये हो गया काम बस। और ये रैपर जो है पास्ता को, उसको हमने बॉईल किया था, इसको बॉईल नहीं करेंगे, इसको पहले इस तरह के पर्सेस बना लेंगे और फिर इसको स्टीम भी करेंगे और साथ में डीप फ्राई भी करेंगे, दोनों तरीक़ों से, दैट्स इट। और ये हमारा आज पहली दफ़ा हम पास्ता जो है, जिस तरह हमने पहले बनाया था सिर्फ इटालियन रेसिपीज़, अब ये डम्पलिंग आपकी या जिसको पर्सेस हम कह रहे हैं, ये आप इसकी मुख्तलिफ फिलिंग्स हैं वो आपको बताएँगे एक एक करके। और इसके बाद इसके साथ डिपिंग सॉसेज, आज चूँकि हमारे पास थोड़ा टाइम, पहली दफ़ा ये बना रहे तो टाइम कम था, इसका डिपिंग सॉस बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छे। अभी तो आज इसको हम सर्व करेंगे चिली गार्लिक सॉस और केचप के साथ एज ए डिपिंग सॉस, लेकिन थोड़ा अगर टाइम मिल गया तो मैं ज़रा कोशिश करके एक आज इसके साथ डिपिंग सॉस भी बना दूँगा।
ये एक एक करके हम बना रहे हैं और बस दैट्स इट। छोटी सी मेरे ख्याल में ब्रेक आने वाली है, शायद ब्रेक ले रहे हैं हम लोग। ब्रेक से वापस आते हैं, ये पर्सेस तैयार हो चुके होंगे, फिर इसको स्टीम करने का तरीका और डीप फ्राइंग का, और साथ में हम बनाएंगे कार्बोनारा सॉस जिसमें हम शामिल करेंगे स्पेगेटी। कहीं नहीं जाएगा, बिराट पैक। गोल्ड पर्सेस। अच्छा, डो के लिए मैदा 250 ग्राम, अंडे 2 अदद बड़े, फिलिंग के लिए चिकन की कीमत 250 ग्राम, हरी प्याज स्लाइस्ड 1 अदद, ओस्टर सॉस 4 खाने के चमचे, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पेपर 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए लेमन ग्रास स्लाइस्ड 1 अदद, सर्व करने के लिए केचप आधा कप, चिली गार्लिक सॉस आधा कप। भेजिए वापस आ गए और स्टीमर हमारे पास तैयार है। सबसे पहला काम ये करेंगे, अच्छा एक जब भी स्टीमर में ये डंपलिंग टाइप की चीज़ें बनाएंगे हमेशा जहन में रखिएगा, इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे और थोड़ा सा ऑयल करेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर हमने थोड़ी सी इसकी ऑयलिंग नहीं की अंदर से तो ये इसके साथ चिपक जाते हैं। सो मेक श्योर कि थोड़ा सा आपने इसको पहले हल्का सा ड्राई किया, उसके बाद ये आ गया, हल्का सा मैं इसको ऑयल से स्प्रे कर दूँगा। इससे क्या होगा कि ये डंपलिंग चिपकेंगे नहीं, अदरवाइज़ मस्त चिपक जाएंगे और फिर आपको ये डंपलिंग आपके टूटेंगे। सो दो तरीके हैं, रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हुआ था इसका स्टीम, अभी जैसे ही दोपहर को आया तो मैंने कहा ये तो स्टीम भी हो सकते हैं अच्छे। सो एक एक करके इसके ऊपर रखे। सो दो तरीक़ों से बना रहे हैं, स्टीम भी कर रहे हैं इसको और साथ में डीप फ्राई भी कर रहे हैं ये गोल्डन पर्सेस। सो सबसे पहला काम यहाँ पर मैंने स्टीम में रख दिया इसको, कुकिंग टाइम इसका 5 मिनट, बस 5 मिनट के अंदर तैयार है। कवर कर दिया, स्टीम में इसकी थोड़ी सी कम कर दूँगा और दोबारा फिर आपको दिखा देते हैं कैसे बन रहे हैं। ये हमने इसकी वॉन्टन रैपर पहले बना लिए, इसको लाइन में रखा, और इसके बाद जिस प्लेट में हमने इसको रखना है उसमें थोड़ा सा मैदा डालना है ताकि ये रैपिंग के दौरान चिपके नहीं, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश बने हुए हैं तो उस टाइम चिपकने के चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं। सेंटर में इसमें थोड़ा थोड़ा सा, एक एक टेबल स्पून तो नहीं, एक टी स्पून से थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा फिलिंग है, बहुत फिलिंग नहीं रखनी है अदरवाइज ये रैपर बंद नहीं होंगे। ये आ गया, अभी डो बहुत पड़ा हुआ है, टाइम हमारे पास नहीं है, अदरवाइज ये इसको भी हम ठीक ठाक क्वांटिटी, यानी अभी जितने बने हैं देखिए, चिकन भी तकरीबन ऑलमोस्ट इससे कोई हमने बनाया है 3, 3, 6, 7, 8, 8, 16, 20 बनेंगे इससे, 20 एक पाव चिकन से अच्छे खासे बनेंगे और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। अगर आपको ये किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट के डंपलिंग्स का टेस्ट पसंद है तो ये उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी होंगे और कॉस्ट इफ़ेक्टिव, बहुत सस्ते पड़ेंगे आपको। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनको एक दफ़ा बना लें, बना के फ्रीज़र में रख दें या आराम से आपके फ्रीज़र में अप टू अ मंथ लेंगे। आज इसकी थोड़ी सी और कम कर देते हैं स्टीम, स्टीमर अगर आपके पास नहीं है वाला तो आपने सिंपली पतीला लेके उसके ऊपर जिसमें चावल छानते हैं हम लोग वो रख दें और उसके अंदर से एडोब रख दें, लेकिन ऑयलिंग मस्ट है, जहन में रखेगा ऑयल इसको मस्ट करना है अदरवाइज ये चिपक जाएंगे। इसके बाद एक एक लेके ये रैपर लिया, अंडा हल्का हल्का सा अंडा लगाया और इसके बाद इसको रैप करने का तरीका सिंपल, इसको साइडों से फोल्ड करते गए ये इस तरीके से, ये सारा किया, ये पर्स बन गया और इसको यहाँ पे रख दिया। इनको हम डीप फ्राई करेंगे, उसको हमने स्टीम कर दिया, दोबारा फिर आपको दिखा देते हैं, बहुत सिंपल काम। एग वॉश किया अंडे के, और नॉर्मली पानी से भी कर सकते हैं आप, मैं रिस्क नहीं लेता ख़ासतौर पे डीप फ्राइंग में, क्योंकि डीप फ्राइंग में इसमें खुलने के, स्टीम में इतना मसला नहीं, डीप फ्राइंग में इसके खुलने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसकी बहुत सारी शेप्स बनती है, अभी तो हम बिल्कुल आप, चूँकि पर्स के नाम से हम इसकी रेसिपी का नाम है, अदरवाइज़ जो भी हमने रैपर वॉन्टन रैप किए हैं इसके बहुत सारी शेप्स हैं बड़ी मुख्तलिफ की किस्म की, आगे जाके इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। सो सबसे पहला काम ये आ गया, बस अभी इनको हमने डी फ्राई करना है तो हमारी ये गोल्डन पर्सेस की रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी और फिर हमारी रह जाएगी स्पेगेटी कार्बोनारा, वो भी बहुत ईजी है, कार्बोनारा सॉस बनेगा साथ में स्पेगेटी ऐड हो जाएगी, दैट्स इट। ये लीजिए एक करके,
जिस तरह मैंने आपको बताया, ये पर्सेस को आप फ्रीज कर सकते हैं फॉर गुड अबाउट महीना डेढ़ महीना। क्लिंग रैप से इसको अच्छी तरीके से पैक कर दीजिएगा ताकि इसमें मॉइस्चर और ड्राई ना हो जाए। एक एक करके पर्सेस रख दिए, यहाँ पे ऑयल आ जाता है, ऑयल भी गर्म है अच्छा खासा, आई थॉट के ठंडा है। चलें, ये आ गया तेल। अच्छा, ऑयल इसका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, बहुत गर्म ना हो, बस मॉडरेट दरमियाना। और ये आपको थोड़ा सा दिखा दें, देखें बेहतरीन बन रहे हैं, कोई खुल नहीं रहा ऊपर से, टॉप बिल्कुल सील्ड है। और कुकिंग टाइम इनका 5 मिनट, 5 से 6 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा किसको ज़रूरत नहीं है। पहले मैं खाली ये वाले पर्सेस बना लूँ, इनको हम डीप फ्राई करके निकाल लेंगे, फिर आ जाएंगे हमारी रेसिपी कार्बोनारा की तरफ। ये हो गए तकरीबन तैयार। इसको बस आपने जहन में रखना है, जो ऊपर से हम जिस तरह इसको सील कर रहे हैं, ये आपने प्रॉपर सील करना है, डीप फ्राइंग में मसला करेगा, ये खुलने के चांसेस इसके होते हैं, या तेल इसके अंदर बहुत चला जाएगा तो ये बहुत ऑयली हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर है फैसलाबाद से, कौन? मिसेस सैयद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वाले सलाम, कैसी हैं आप? जी सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, मैं आपकी बहुत सी डिशेज बना चुकी हूँ और बहुत इकदार वसूल कर चुकी हूँ फैमिली में। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे आपकी ना वॉइस नहीं आ, बहुत कम आ रही है। अच्छा, हुकुम कीजिए, पहले आप सवाल कर लें, फिर मेरे ख्याल में यहाँ पे शायद फोन लाइन में हमारे मसला होगा। हेलो जी, मखंडी हलवा तो बनाना सिखा रहे हैं। अच्छा, मैंने लाइन अप किया हुआ है, पहले ही प्लान किया, इंशाल्लाह ये कमिंग वीक नहीं, उसे नेक्स्ट वीक में प्लान किया हुआ है जी, इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, आखिरी मैं खाली बना लूँ, फिर हमने इनको डीप फ्राई करना है। ऑयल जिसका दर्जा हरारत मैंने आपको बताया कि बहुत गर्म ना हो, अदरवाइज ये ऊपर से इनका कलर एकदम आ जाएगा डार्क, और अंदर से कच्चा तो नहीं रहेगा लेकिन थोड़ा बहुत जिस तरीके से पकना चाहिए वैसे नहीं पकेगा, लिहाजा ऑयल का दर्जा हरारत, अगर ऑयल गर्म हो गया, जिस तरह मेरे पास यहाँ पे गर्म हो गया, तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दिया। बस इसके बाद पहले पर्सेस को बंद किया, और इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं और इनको हम करते हैं फ्राई। सिर्फ इसके ऊपर से थोड़ा सील किया, ये देखिए एक एक करके आ रहा है ऑयल, हाँ समझ आ गया। चल, इसको डीप फ्राई करके निकाल रहे हैं, दैट्स इट। कुकिंग टाइम इसका 3 से 4 मिनट। दर्जा हरारत तेल का बहुत गर्म ही होना चाहिए, जहन में रखेगा, मॉडरेट से थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा, अदरवाइज ऊपर से इसका कलर बहुत तेज़ आ जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाने का खदशा है। चलिए जी, ओह चलिए जी, बस इसको अब हमने सिंपली आँच इसकी अब मैं ऑन कर देता हूँ। ये देखें सिंपली नहीं खुल रहे, सेट हो गया। बस इसको आपने थोड़ा सा शुरू में मिक्स भी ना करें, थोड़ा ज़रा पकड़ ले जगह। इसका दो इश्यूज़ होते हैं, जिस तरह ऊपर से सील करने का मैंने आपको बताया, एक तो सील इसमें से इम्पॉर्टेंट है कि इसका अंदर जो फिलिंग है वो ना निकले, दूसरा हमारी कोशिश ये होती है कि अंदर ऑयल ना जाए, ऑयल अगर चला गया तो ये बहुत ज़्यादा, आमतौर पर हमारे समोसे होते हैं ना रोल बाज़ार मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मुरकन होते हैं, तेल अंदर से पूरा डूबे होते हैं। मेजॉरिटी जो थाई खाने हैं या ये जो चाइनीज़ फार ईस्टर्न खाने, ये हेल्थ के हवाले से बहुत बेहतरीन है, इवन डीप फ्राइड फूड भी इनके इतने नुकसानदेह नहीं होते जितना हमारे यहाँ है। ये ले जी, ये भी हो गए तैयार, बल्कि ऑलमोस्ट, थोड़ी देर और। अच्छा, ऊपर से आप हाथ से चेक करेंगे तो आपको ये डो का फील हो जाएगा कि कैसा है, तो अगर थोड़ा सा हार्ड आपको फील हो रहा है, मुझे लग रहा है, 2-3 मिनट और इसको छोड़ देते हैं, वापस यहाँ पर आते हैं और इनको मिक्स करते जाएंगे। कुकिंग टाइम 5 से 6 मिनट, और यहाँ पे हम एक थोड़ी सी प्लेट ले लेते हैं साफ़, और जो भी डीप फ्राइड फूड बनाएं किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे इसको मस्त निकालें, अदरवाइज ये फूड बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं और ये सेहत के हवाले से इतने अच्छे नहीं रहते। जी कौन है? मुसर्रत हैं गुजरावान से, कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अबूबा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? जी दुआएं आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अब मैं आज एक बात, मुझे बड़ी मजे की आप बताती हूँ कि मसाला चैनल की जब डिशेज होती है ना, उनके नामों को भी इवन हम एंजॉय करते हैं, बड़े प्यारे नाम होते हैं। अच्छा, बहुत मजा था। गोल्ड गोल्ड पर्सेस में कहीं मैं
अशरफियों की थैलियाँ ऐसी ऐसी बैग, तो यकीन करो इतने मजे के नाम होते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेटिव तो है ही, एंटरटेनमेंट के साथ हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है चैनल, यानी कि एक होता है ना, मतलब एक प्रोग्राम की होती है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, तो सारा इसे सब कुछ ही आ जाता है। वेल डन, एक्सीलेंट, नाइस टू सी विशाला चैनल, यू आर ऑल गिविंग योर बेस्ट ऑन द चैनल, मेरी बेस्ट विशेज है आप सबके साथ, और मैडम सुल्ताना साहिबा के लिए बहुत सी दुआएं, और आपकी टीम के लिए भी, आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है देखना चैनल मिसाला चैनल, हमारे हम इसके कॉलर बन रहे, मैं तो तकरीबन माशाल्लाह से देख तो रही थी, लेकिन अब मैं रेगुलर कॉलर बनती जा रही, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और मिसाला चैनल जो हमारे टीवी की शान है, हमारे टीवी चैनल्स में एक अपना नाम है इसका, तो अल्लाह ताला इसी तरह इसको तरक्की और कामयाबियों की जेर साया रखे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, एक अदद चम्मच ले लिया, और अब इसको हमने निकालना है आराम से ही, देखें हल्का सा, और जो मैं आपको कह रहा था ना कि ऑयल लगाना मस्ट है, कहीं थोड़ा सा भी ऑयल नहीं, ये देखें ये बिल्कुल नीचे से भी सील कोई नहीं खुला, और फर्स्ट क्लास हमारे स्टीम डंपलिंग भी बन गए, और साथ में हमने इसको फ्राई भी कर लिया, एक एक करके निकाल लेते, कुकिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टीम में अच्छी और ज़्यादा हेल्दी है डीप फ्राइड से के हिसाब से, और बस इसको नीचे से आराम से आपने थोड़ा थोड़ा सा तरीके से निकालना है। दैट्स इट, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम बनाते हैं स्पेगेटी कार्बोनारा, और अगर थोड़ा सा टाइम मिला इसका एक क्विक मैं सॉस भी चीज़ें पहले देख लूँ मेरे पास पड़ी हुई कि नहीं, इसके डिपिंग सॉस बहुत मज़े के होते हैं, थाई डिपिंग सॉस बनाते हैं कि नहीं, जाएगी रखता है। पास्ता कार्बोनारा अच्छा पास्ता के लिए, मैदा 500 ग्राम, अंडे 5 अदद बाकी अज्जा, अंडे 5 अदद, बोलोनी स्लाइस्ड 5 स्लाइसेस, क्रीम 250 मिलीलीटर, चेडर चीज़ 1 कप, मक्खन 5 खाने के चमचे, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। ले जी वापस आ गए, और ये हमारे बन गए गोल्ड पर्सेस, ये जो बेसिक ओरिजिनल रेसिपी थी इसको हमने स्टीम किया है बेहतरीन, अभी मैंने ये खा लिया, बहुत मज़े का था, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ मैंने बनाया, ये रैपर नहीं मिलते, और जिन लोगों ने डंपलिंग खाए हैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में उनको सबसे, मेरे घर में चाइनीज़ खाने का कोई एक आइटम अगर किसी को पसंद है तो वो ये डंपलिंग्स है, और घर में बनाने की कोशिश की, इतना पतला रैपर नहीं बनता अच्छे, इसके मोटे रैपर अगर आप बनाएंगे तो फिर वो सारा आटा आटा आपको फील होगा, टेस्ट इतना आपको फील नहीं होगा, सो बेहतर है कि आप इसको इस मशीन पे बनेंगे, और ये हमने इसको डीप फ्राई कर लिया, साथ में चिली गार्लिक सॉस रख दिया, और अभी देख रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो इसका मैं क्विक आपको एक डिपिंग सॉस बना के देता हूँ, बहुत मज़े का। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं स्पेगेटी कार्बोनारा, स्पेगेटी हमने बना ली थी, इसमें हम पहले मक्खन शामिल कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, और साथ में इसमें हम बोलोनिया स्लाइसेस डाल रहे हैं, ये बेसिकली तैयार बाज़ार में मिलते हैं मीट है ये, और ये बेसिकली इटालियन सॉसेज है, एक बोलोनिया इटली में एक जगह है उसके नाम पे है, और ये बहुत मज़े के होते हैं, ये हमने पहले इसको लेके सारे लाइन में रखे, इसको मैं स्लाइस कर लेता हूँ 7 से 8 पीसेस, ये हमने इस तरीके से इसको काट लिया, और इसका कुकिंग टाइम बहुत कम, जैसी थोड़ा सा इसको मेल्ट हो जाए बटर, इसके बाद हमें इसमें शामिल कर देना है सबसे पहले ये बोलोनिया स्लाइसेस, चाहें तो इसकी जगह आप सॉसेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो इसके बगैर भी बन जाएंगे, कोई मसला नहीं। सबसे पहला काम
इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इससे ये होगा कि थोड़ा सा ज़रा क्रंची भी हो जाएगा मीट, और सॉस में इसका मज़ा आएगा, बड़ा अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर है इसका। तो इसको पहले मिक्स किया, ये जी बस पास्ता हमारे पास पहले से बॉयल्ड है, अभी जो हमने पकाया था, और इंग्रेडिएंट इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो अंडे हैं, और अंडों को कितना पकाना है वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहला काम, इसको थोड़ा सा फ्राई किया, बस इसके बाद ये आ जाएगा इसमें पास्ता जो भी हमने पकाया बनाया, और इसको हमने हल्का सा ऑयल लगा दिया था ताकि आपस में चिपके नहीं। पहले इसको थोड़ा सा मिक्स किया, इसके बाद सारा तो नहीं डलेगा, इतना हाफ ऑलमोस्ट। ये इसमें हमने स्पेगेटी डाली, इसको थोड़ा सा मिक्स किया, और ध्यान में रखिएगा बहुत पकाना नहीं है इसको। साथ में इसमें आ जाएगी क्रीम, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, और इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, बस ये हो गया। इसके बाद आ जाएगी इसमें चेडर चीज, और आखिर में इसमें आ जाएंगे अंडे। अंडे डाल के हमने, ये तकरीबन 5 से 6 अदद अंडे हैं, और ये डाल के हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, बस पकाना नहीं है सच, ये अभी इसकी अपनी हीट में ही ये पक जाएंगे। दैट्स इट, चूल्हा कर दिया बंद, सिंपली ये हो गया सिंपल हमारा कार्बोनारा, और बहुत ही मज़े का सॉस। मतलब मुझे अगर पास्ता कहेंगे इटालियन में तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी कॉम्बिनेशन टेस्ट वाइज लगती है वो ये कार्बोनारा है। बस इसको मिक्स किया, फिर हमारी स्पेगेटी कार्बोनारा भी रेडी हो गया, साथ में हमारा गोल्डन पर्सेस रेडी हो गए, और इसी को हमने स्टीम में बना लिया था। और अभी मैं ज़रा चीज़ें अपनी फ्रिज व्रिज में चेक कर लूँ कि मुझे अगर थोड़ी बेसिक चीज़ें भी मिल गई तो मैं क्विकली आपको इसका एक थाई डिपिंग सॉस बना के देता हूँ। रेसिपी क्या उसका नहीं होगा, लेकिन बहुत सिंपल है, याद रखना आपके लिए बड़ा आसान होगा। पास्ता को ये देखें, सिंपल मिक्स किया और ये हो गया तैयार। चलिए जी, काम हो गया ख़त्म, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे एंजॉय कर विराट तक। गोल्ड पर्सेस अच्छा डो के लिए मैदा 250 ग्राम, अंडे 2 अदद बड़े, फिलिंग के लिए चिकन की कीमत 250 ग्राम, हरी प्याज स्लाइस्ड 1 अदद, ओस्टर सॉस 4 खाने के चमचे, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पेपर 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए लेमन ग्रास स्लाइस्ड 1 अदद, सर्व करने के लिए केचप 1/2 कप, चिली गार्लिक सॉस 1/2 कप। तरकीब, डो बनाएं और रोल करके एक पतली शीट बना लें, काट कर छोटी गोल्ड डिस्क बना लें। बोल में चिकन, कीमा, नमक, पेपर, लेमन ग्रास, ओस्टर सॉस और लहसुन अच्छी तरह मिक्स करें। हर डिस्क को चिकन मिक्स से भरें और किनारे सील करके खस्ता होने तक डीप फ्राई करें। केचप के चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर दें। पास्ता कार्बोनारा अज्जा, पास्ता के लिए मैदा 500 ग्राम, अंडे 5 अदद, बाकी अज्जा। अंडे 5 अदद, बोलोनी स्लाइस्ड 5 स्लाइसेस, क्रीम 250 मिलीलीटर, चेडर चीज़ 1 कप, मक्खन 5 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब, डो के अज्जा से डो बना के रोल आउट करें। फेटुचिनी पास्ता बनाकर नमक वाले पानी में 3 से 4 मिनट उबालें, छान कर एक तरफ रख दें। बोल में क्रीम, चेडर चीज़, अंडे, नमक और काली मिर्च अच्छी तरह मिक्स करें। पैन में मक्खन डालकर बोलोनी स्लाइस्ड 1 मिनट फ्राई करें। पैन को चूल्हे से हटाकर उसमें पास्ता, अंडे और क्रीम का मिक्सर शामिल करके तेज़ी से मिक्स करें, फिर मज़ीद 1 मिनट पका के सर्व कर दें। ले जी वापस आ गए, और ये इसका डिपिंग सॉस मैं बना रहा हूँ। अगेन मेथड नहीं है इसका, मेरे पास जो फ्रिज में चीज़ें अवेलेबल थी अलमारियों में, मैंने सब निकाल ली, और इंशाल्लाह आगे जाके इसकी डिपिंग सॉस अभी हम बनाएंगे नेक्स्ट वीक में, कोशिश करेंगे चाइनीज़ डम्पलिंग्स, उसके साथ फिर मैं 2 डिपिंग सॉस बना दूंगा सिंपल। ये जो मेरे पास फ्रिज में चीज़ें अवेलेबल थी और वो हमने निकाल ली, लहसुन, अदरक, थोड़ा थोड़ा सा ये आ गया गार्लिक,
जिंजर आ गया, हरी मिर्च चॉप की भी आ गई, हरा प्याज आ गया, थोड़ा सा नमक आ गया, साथ में सिरका आ गया, और साथ में हमारा लास्ट टाइम कुछ अर्सा पहले अगर आपने देखा होगा चिली सॉस हमने बनाया था, ये हमने थोड़ा सा इसमें शामिल कर दिया। बस इसके बाद इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी में शामिल कर दूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, स्पाइसी सॉस है थोड़ा सा, ज़रा ये खट्टा और ज़रा चटपटा सॉस, चिली सॉस थोड़ा सा और डाल देते हैं, वैसे चिली सॉस जो हमने बनाया काफ़ी स्पाइसी था। बस ये बड़ा बिल्कुल पतला सा इसका डिपिंग सॉस, और हरी मिर्च, हरा प्याज, अदरक लहसुन चॉप किया हुआ, सिरका, थोड़ा सा नमक और साथ में चिली सॉस, ये हम बॉल में भर देते हैं इसके। ये डंपलिंग्स के लिए, आप चाहें तो इसको वो गोल्ड पर्सेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये टिपिकल डंपलिंग का सॉस है। आज की दोनों रेसिपीज हो गई रेडी, बल्कि तीन बना दी हमने। स्टीम्ड वाले डंपलिंग या गोल्ड पर्सेस का रेसिपी में नहीं लिखा हुआ था, आते साथ ही मुझे थोड़ा सा आइडिया हो, मैंने कह इसको तो हम स्टीम भी कर सकते हैं, और स्टीम भी कर दिए। ये आ गया हमारा डिपिंग सॉस, सो स्टीम डंपलिंग बन गए। अच्छा, जहन में रखिएगा हमेशा इसको जब भी हम उतारेंगे, वहाँ से जब इसको उतार रहे थे देखें, ये बिल्कुल साबुत होने चाहिए, नीचे से टूट फूट का शिकार ना हो जाए, और इसी वजह से नीचे हमने इसके ऑयल लगाया था, क्योंकि नीचे ऊपर वाला मसला नहीं, ऊपर वाला पोर्शन सही रहता है, नीचे वाला काफ़ी नरम होता है, स्टीम डायरेक्ट इसको लग रही होती है और ये टूटने का खतरा होता है। सो ये स्टीम डंपलिंग भी बन गए, साथ में हमारे जो डीप फ्राइड गोल्ड पर्सेस थे। और पास्ता के हवाले से ये वाला पास्ता जो स्पेगेटी कार्बोनारा बहुत ही मशहूर है, बहुत कम जगहों पर मैंने खाया है, और जिस जगह पर खाया असल में काफ़ी, एक कराची में रेस्टोरेंट होता था वहाँ पर मैंने खाया था, इसके बाद इटली जाने के इतफाक हुआ वहाँ पर मिलान में, वो जब खाया तो फिर हमने आइडिया हुआ कि यार ये किस तरह बनता है, क्योंकि बहुत सारे इसके मेथड मुख्तलिफ किस्म के, इसके इंग्रेडिएंट बहुत सारे, कुछ लोग क्या शामिल करते हैं क्या शामिल करते हैं, ये ओरिजिनल रेसिपी जो मैंने जिस तरह खाई थी बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये बड़ा क्रीमी, और अंडा जो इसमें है आपने देखा कि हमने सिर्फ शामिल किया, चूल्हा बंद कर दिया, इसको थोड़ा सा मिक्स किया इसके अपनी हीट में, जब ये अंडा पकता है ये बिल्कुल जिस तरह स्क्रैम्बल्ड है, ये बिल्कुल वैसे ही पका है, साथ में इसमें चेडर चीज़ का टेस्ट और रिच क्रीमी पास्ता अगर आप पसंद करते हैं तो फिर कार्बोनारा इज़ द वन। और ये गोल्ड पर्सेस में अगेन हमने इसके अंदर फिलिंग में शामिल किया चिकन था, ये साथ में लेमन ग्रास, ये थाई इंग्रेडिएंट बड़ा मशहूर है, मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो इसमें हरा प्याज हमने शामिल किया, साथ में लहसुन शामिल किया, ऑयस्टर सॉस और नमक थोड़ा सा, अच्छा नमक कम ही रखिएगा जब आप ऑयस्टर सॉस शामिल करेंगे, साथ में काली मिर्च, इसके छोटे छोटे पर्सेस बना लिए। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे टिपिकल जो समोसे जिस टाइप के होते हैं रोल, बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन ये इसका फ़ायदा क्या है, ऊपर से प्रॉपर सील्ड है, ऑयल बिल्कुल नहीं किया, और जैसे ही हमने इसको पकाया इसके बाद हमने इसको किचन अब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाला ताकि इसका इजाफी तेल निकल जाए, तो ये बड़े लाइट से रहेंगे। हमारे यहाँ जो डीप फ्राइड फूड होते हैं बहुत ज़्यादा मुरगन और हैवी फील होता है खाने के बाद, चाइनीज़ खाने या फार ईस्टर्न खाने जितने भी, इनके सबसे अच्छी बात पकाने का तरीकाकार, दूसरा फिर इसको किचन अब्जॉर्बेंट पेपर पर निकालना, तो बड़े ये एपेटाइजर्स हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे आइटम जो खाएंगे तो कुछ और खा नहीं सकते, लेकिन इसका फ़ायदा है कि बिल्कुल अंदर से ड्राई है, इसके अंदर कोई ऑयल इस्तेमाल अंदर शामिल गया नहीं, क्योंकि ऊपर से इसको हमने अच्छी तरीके से सील कर लिया था। कुकिंग टाइम 5 से 6 मिनट था, हल्के से क्रिस्पी क्रंची हो गए, बस उतार लें पक गए। और ये स्टीम हमने रखा है इसको डंपलिंग को, ये भी तकरीबन 6 से 7 मिनट 8 मिनट के अंदर मैक्सिमम पक जाता है, अंदर चिकन की फिलिंग उसका भी इतना ही टाइम आराम से पक जाता है। चलिए प्रोग्राम के टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाते हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
adds a masala to your life.